हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू, जो अपने जमाने के सबसे धनी लोगों में से एक थे। अंग्रेज जज उनकी वाक्पटुता और मुकदमों को पेश करने की उनकी खास शैली से प्रभावित रहते थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें जल्दी और असरदार तरीके से ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में केस लड़ने के लिए शामिल किया जाना लगभग दुर्लभ था। लेकिन मोतीलाल ऐसे वकील बने जो इसमें शामिल किए गए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सत्यशिवम ने मोतीलाल नेहरू के बारे में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के एक जनरल में ये बात लिखी है। भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता सबसे ज़्यादा चर्चित शख्सियत में से एक रहे हैं। इनका जन्म 6 मई 1861 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोतीलाल नेहरू के पिता दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति में उनकी नौकरी और प्रॉपर्टी सब छिन गई। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ अनोखी बातें। मैं हूं एसके, आप देख रहे हैं लाइव विद एसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1900 में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में महमूद मंजिल नाम का एक लंबा चौड़ा भवन और इससे जुड़ी जमीन खरीदी। उस जमाने में उन्होंने इसे 20,000 रुपये में खरीदा और सजाया संवारा। स्वराज भवन में 42 कमरे थे। बाद में करोड़ों की ये प्रॉपर्टी को उन्होंने 1920 के दशक में भारतीय कांग्रेस को दान में दे दिया। मोतीलाल नेहरू की 2 शादियां हुई थीं। उनकी पहली पत्नी की मौत जल्द ही हो गई थी। उनसे मोतीलाल नेहरू को एक बेटा भी था, लेकिन वह भी कम उम्र में मर गया। दूसरी बीवी से मोतीलाल नेहरू के 1 बेटा और 2 बेटियां हुईं। बेटे का नाम जवाहर और बेटियों का नाम विजयलक्ष्मी और कृष्णा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उस समय के दूसरे वकीलों की तरह मेरे पिताजी का भी एक पढ़ने का कमरा था, जिसमें तमाम किताबें रखी हुई थीं। जवाहरलाल नेहरू को उस कमरे में जाना काफ़ी पसंद था। अपने कई दोस्तों के साथ वे उस कमरे में अक्सर जाया करते थे। मोतीलाल नेहरू मेज पर हमेशा 2 पेन रखते थे। एक दिन जवाहर को पेन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने पिता के कमरे से एक पेन ले लिया। उन्होंने सोचा कि पिताजी कभी भी 2 पेन एक साथ यूज नहीं करेंगे। उस दिन शाम को अचानक शोर मचना शुरू हो गया। सभी लोग डरे हुए थे। नौकर एक कमरे से दूसरे कमरे में पेन के लिए दौड़ रहे थे। मोतीलाल नेहरू को पूरा यकीन था किसी न किसी ने यह कीमती कलम चुराया है। आखिरकार पेन जवाहर के कमरे में मिल गई। पिताजी काफ़ी गुस्से में थे कि मैंने क्यों बिना पूछे पेन ले लिया। उन्होंने जवाहर को जमकर पीटा। जवाहर रोते हुए माँ के पास भाग गए। इस दिन उन्होंने सबक सीखा कि हमेशा पिताजी की बात माननी है और कभी भी उनसे चालाकी नहीं दिखानी। लेकिन आगे वह लिखते हैं कि उसके बाद पिता के लिए जो उनका प्यार था, उसमें डर भी शामिल हो गया।